नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को एक बड़ा नोटिस मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो भी जारी हो चुके हैं, वर्ग दो में, वर्ग एक में, वर्ग तीन में। ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिनके पास टेम्परेरी विकलांगता सर्टिफिकेट था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, उसको लेकर के इन्होंने पहले नोटिस दिया, उसके बाद बच्चों को जो है बाहर कर दिया। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये टोटली गलत है। इसका मतलब अगर आप बाहर हुए हैं और आपके पास ऑर्डर आया है तो तत्काल जितना जल्द से जल्द हो सके आप कोर्ट की शरण लें, क्योंकि परमानेंट डिसेबिलिटी और टेम्परेरी डिसेबिलिटी के बारे में कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं एक्ट में, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो अधिकारी हैं इस प्रकार के जो एक्शन ले रहे हैं वो एक बियॉन्ड द लॉ जाके ले रहे हैं, मतलब सच देखा जाए तो कानूनन वो सही नहीं है। कई ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कई बार इस प्रकार से मात खानी पड़ी है, जब उन्होंने टेम्परेरी जो है, जैसे एम्स का मुद्दा हो, चाहे खड़गपुर IIT वगैरह का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे वो JNU का मुद्दा हो, मतलब जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट्स होती हैं, कई अदर स्टेट में भी इस प्रकार के कदम उठाए गए, तो जहाँ पर उन्होंने अच्छे वकीलों को, जानकार वकीलों को, सर्विस मैटर के एक्सपर्ट वकीलों को जिनको केस दिए हैं, वो केस वो जीते हैं। और मैं आपको पहले भी, मेरी वीडियो बनी थी जिसमें बहुत सारी जगहों से, कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपके चंडीगढ़, पंजाब, तमाम जगहों से लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें सलाह भी दी, बहुत सारे लोगों को मैंने वहाँ तक आर्गूमेंट करने में गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू, और बहुत सारे जगहों पर उनको जीत मिली। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट का हवाला देकर आपको बाहर किया जा रहा है, चाहे वर्ग एक के हों, वर्ग दो, वर्ग तीन, किसी के भी हों, आप बाहर नहीं होंगे। लेकिन जैसे आपको ऑर्डर मिले तुरंत आपको क्या करना है, कोर्ट के पास जाना है, क्योंकि ऑर्डर अगर ज़्यादा दिन तक का हो गया, अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रही स्कूल में तो दिक्कत हो जाती है, तब भी लग जाता है, ऐसा नहीं, फिर ज्वाइन करने में छः महीने आठ महीने का समय चला जाता है। लेकिन अभी अगर कंटिन्यू आप रनिंग में ज्वाइन कर रखे हैं और अभी आपके पास ऑर्डर आया है भगाने का, टीचर भर्ती में या किसी भर्ती में तुरंत करने का, तो तुरंत आप उस ऑर्डर में स्टे ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं, उसके लिए भाई गजब की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, बकायदा आपको केस का स्टडी करना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना है, एक अच्छे वकील से आप इसको करवा सकते हैं। बाकी जिनको ऐसा लगता है इसके संबंध में कुछ और सलाह है आपको, हो सकता है कानूनी सलाह क्या हो सकता है, तो आप लोग जो है मेरा नंबर जो है लिख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे मैं आपको नंबर डाल दूंगा, उसे बोल भी दे रहा हूँ 7827282211, फिर से बोल रहा हूँ 7827282211, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना इसलिए भी है, वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि आपकी नौकरी जो है एक छोटे से तकियन उसी बातों की वजह से बाहर से वर्ग हो रही है। बहुत सारे वर्ग दो के जो अभ्यर्थी जिनकी अच्छी खासी सैलरी है वो इससे बाहर हो रहे हैं, वो आप लोग आज ही इन सब चीज़ों का विधिवत तैयारी करिए और जल्द से जल्द जो है कोर्ट की शरण में जाइएगा, तो आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी और इधर आपकी चीज़ें चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।